विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा स्वागत. राज्यात अडकलेल्या अनेक कामगारांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी रेल्वे आणि एसटीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. मात्र मजुरांकडून तिकिटापोटी भाडे आकारण्यात येत असल्यानं सरकार मजुरांमध्ये भेदभाव करत आहे. कामगारांना भाडे न करता त्यांना विमानाने भारतात आणलं जातं, मात्र देशातील मजुरांकडून भाडं घेतलं जातं असा दुजाभाव केंद्र का करत आहे असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी विचारला आहे. केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पक्ष की सरकार है पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन करने की शुरुआत की है. जो विदेश में भारतीय फंसे हुए थे उनको हवाई जहाज भेजकर भारत ले आए, उनसे किसी प्रकार की चार्ज नहीं किया, फ्री ले आए. लेकिन अब जो माइग्रेंट लेबर अपने गांव जाना चाह रहा है सरकार उनको रेलवे से और स्टेट ट्रांसपोर्ट से ले जा रही है, लेकिन उसको चार्ज कर रही है. जो अमीर है उनको फ्री ले आ रही है और जो गरीब है उसको टिकट भर के ट्रैवल करना पड़ रहा है. सरकार की इस नीतियों का निंदन करता हूँ. सरकार से आग्रह है ये भेदभाव की जो नीति है इसको बंद करें. और जो माइग्रेंट लेबर है महीने भर से अपने ही खीसे से और अपने ही पैसे से ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके अपने गांव जाने तक का जो टिकट चार्ज कर रही है वो बंद करें और उसको भी हवाई जहाज की तरह फ्री कर दे. यही सरकार से अनुरोध हम लोग कर रहे हैं.